मैसेल्फ राजेश शर्मा, हाईटेक ऑटोमोटिव स्किल डिपार्टमेंट एकेडमी से। आज हम कार एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारी बहुत सी गाड़ियाँ हैं जो कूलिंग करने लग जाती है मगर कंप्रेसर के अंदर से आवाज़ आने लग जाती है, जो वो आवाज़ है अलग से सुनने लग जाती है कस्टमर को। आज हम इस कंप्रेसर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसमें देखेंगे जो हमारा कंप्रेसर है किस वजह से आवाज़ करने लग गया, किस वजह से इसमें फॉल्ट पड़ा। सबसे पहले आज हम कंप्रेसर को ओपन करेंगे। ये हमारे पास एक कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को खोलेंगे पहले। ये इसका क्लच वाला प्लेट उतार लिया, उसके बाद ये पुली, ये मैग्नेट कॉइल। अब इसके अंदर 5 बोल्ट लगे हुए हैं, हल्की बोल्ट हैं, इनको हम पहले ओपन कर लेंगे। ये इसके अंदर एक बाशल होती है, इसका खास करके ध्यान रखना है, ये दोबारा उसी तरह डाली जाएगी। इसमें अब ये ऊपर जो इसकी हेड वाली प्लेट है इसे उतार लेंगे। ये कंप्लीट खुल गया, ये हेड वाली प्लेट है, ये बाल प्लेट है, इनको खोल लेंगे। अब इसके जो नीचे वाली प्लेट है इसे भी उतार लेंगे। इसमें भी बाल प्लेट होती है, इनको भी उतार लेंगे। अब ये दो पीस रह गए इसके, जो मेन हाउसिंग है जिसके अंदर इसके अंदर पिस्टन चलते हैं, इसके भी अंदर बैरिंग डाला हुआ है, यहाँ भी बैरिंग डाला हुआ है। अब इसे हम ओपन करेंगे। इसे खोलने के लिए धीरे धीरे चोट मारनी है ताकि ये फाटी ना हो सके, ठीक है जी। ये हमारा हाउसिंग अलग हो गया, इसके दोनों में एलईडी डाले होते हैं, इनको भी आपने इसका ध्यान रखना है, ये कट ना जाए, अगर कट गया तो आपको नया डालना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर ये बैरिंग डाले होते हैं जी, जब भी इसे आपने उतारना है वैसे बिल्कुल आराम से उतारना है, इसके अंदर ये बैरिंग होते हैं बिल्कुल ब्रेक। ये इसका ये प्लेन बैरिंग होते हैं जी, गोल्ड टाइप बैरिंग होते हैं, इसके एक वाशल ऊपर होती है, एक इसके फिर आगे ये गोली, उसके बाद ये फिर वाशल। इसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ होता है, ये बैरिंग इधर भी होगा और दूसरी तरफ भी होगा, करेंगे नीचे जो आवाज कर रहा है आपको वहां पर आपको इस वाशल के ऊपर कट मिलेगा। अगर आपको वाशल नहीं मिल रही तो आप इस वाशल को उसे उल्टा के डाल सकते हो, जैसा पहले ये शेप थी और उसे इस शेप में लगा दोगे, दोबारा इसके ऊपर ऐसे इसे फिट करोगे, दोबारा इसे भी उल्टा दोगे, इसे उल्टा करके रखने के बाद दोबारा फिट कर दोगे, उसी तरह फिट करना है जैसे इसे खोला, ओनली अपने वाशल को पलटा है। ये खराब क्यों होता है, इसे खराब होने की वजह क्या है, सबसे पहले हम जब भी कोई भी मैकेनिक कार एसी की लीकेज चेक करने लगता है तो कंप्रेसर जो आपके पास टूल वाला कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर यूज करते हैं अक्सर मैकेनिक, जब उसे यूज करते हैं तो कम से कम वो आपका कंप्रेसर 2 मिनट फ्री आपने उसे ऑन करके चला के देखना है, ताकि जो उसमें जो भी कोई कचरा होगा या उसमें कोई वाटर कुछ भी है वो साफ हो जाएगा, उसके बाद एयर बर्निंग है। ये कोई कचरा जाने की वजह से खराब होता है, अगर कोई कचरा वहाँ चला जाएगा जहाँ आपने वैक्यूम अच्छी तरह नहीं किया
वैक्यूम करने का यही मतलब होता है, जो आप वैक्यूम करते हो उसमें अंदर जो भी इसका कोई मॉइस्चर होगा, कोई कचरा होगा, वो सब निकल जाएगा, उसकी वजह से ये वायरिंग खराब हो जाता है। आपको पहले उसकी, जब भी उसमें एयर भरनी है, पहले एयर भरने के टाइम 2 मिनट आपका कंप्रेशर फ्री चलना चाहिए। उसके बाद जब वैक्यूम करना है, वैक्यूम भी आपकी गाड़ी का बिल्कुल सही होना चाहिए, उसके बाद आप गाड़ी का काम कर सकते हो। इसी वजह से ये हमारा वायरिंग फाल्टी हो जाता है। ओके, थैंक यू।